मेरा जो उनसे सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन जो उनसे है वो थोड़ा सा इस्लामिक टॉपिक से रिलेटेड है। वो ये है कि बेसिकली इस्लाम जो उनसे मज़हब था वो मतलब कि इतनी जल्दी उसने एक्सपेंड कैसे हुआ, मुझे उसकी समझ नहीं आती कि अगर तो उसके अंदर इतनी कॉन्ट्रोडिक्शन इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो बंदों ने फिर उसको अडॉप्ट क्यों किया काफ़ी पीसफुल तरीके से। भी आप देख रहे इंडोनेशिया में देख रहे, कुछ मलेशिया में देख रहे, वहाँ पे मतलब कि उनने मतलब कि मेरे ख्याल से कोई जंग नहीं हुई थी, उनने वैसे ही अडॉप्ट किया था। मुझे इसका 100% नहीं पता, लेकिन ये मैं बस इसके बारे में भी पूछना चाह रहा था। मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जब नया किसी रिलीजन में कन्वर्ट होता है उसे कितना पता होता है मजहब का? उससे कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि वो नया आ रहा है तो उसको इसी बात में आंसर है कि जो कन्वर्ट हो रहे थे वो तो तलवार के जोर पे हो रहे थे, पॉलिटिकल बेनिफिट की वजह से हो रहे थे, टैक्स की एक टैक्स से बचने के लिए हो रहे थे और बेनिफिट्स के लिए हो रहे थे, या उनका कबीले का सरदार हो गया तो उसने कहा सब हो जाओ तो वो सब हो गए। ठीक है, तो वो पता इस्लाम किस बला का नाम है ये तो पता उन्हें बाद में आके चलेगा ना। पुराने जमाने में तो तबलीग का वो वाला खाता है ही नहीं था ना कि तबलीग होगी बताया जाएगा कि हाँ जी फलां किताब में ये लिखा है, फलां किताब में ये लिखा है, किताबें ही नहीं तो बताएंगे कहां से कि तबरी में ये लिखा है तो बुखारी में ये लिखा है तो ये हुआ तो वो हुआ। आज लोगों को इस्लाम नहीं पता तब कहां पता था। जी गालिब पॉइंट थी कि अक्सर सब कॉन्टिनेंट के अंदर रॉयल्टी ने एक्सेप्ट किया, जिस तरह बंगाल के अंदर बंगाल की रॉयल्टी ने, मुझे नाम नहीं का पता, उसने किया था तो फिर बंगाल के अंदर इस्लाम फैला। ये साउथ इंडिया में भी, अरब में भी कबीले के सरदारों ने एक्सेप्ट कर लिया, अरब में जी मदीने के सरदारों ने कुरान इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, पूरे कबीलों को एक्सेप्ट करना पड़ा, मदीने के सरदारों ने एक्सेप्ट किया, यसरब के अंसार के सरदारों ने। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आजकल जो हम आजकल की मतलब की डे एंड एज में रह रहे जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, आपको क्या लगता है कि इस्लाम या तो चेंज होगा या आपको क्या लगता है बंदे एक्सोडस ज़्यादा करेंगे इस्लाम से? सब कुछ होगा, लोग बदलेंगे भी। ये याद रखिएगा अगर इस्लाम आज से 200 साल बाद अगर सर्वाइव कर रहा होगा तो वो इस्लाम होगा ही नहीं जो आज लोग मानते हैं। हदीस तो जा रही है, कुरानिस्ट इस्लाम जो है ना वो फुल फ्लेज आ रहा है, अगले 100-150 साल में कुरानिस्ट इस्लाम इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड में। ठीक है, और कुरानिस्ट इस्लाम एक ऐसा इस्लाम होगा कि जिसके अंदर फिर, क्योंकि फिर हर कोई अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी से कुरान की कर रहा होगा, और कुरान का एक बड़ा, इस्लाम का एक बड़ा पीसफुल वर्जन भी सामने आ सकता है कुरानिस्ट इस्लाम के थ्रू, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेके आ सकते हैं। आपको एक एक्चुअली आपको बताओ, जैसे अमेरिका के अंदर उन्होंने अभी वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल आया एक दो दिन पहले कि क्रिश्चियनिटी अमेरिका में माइनॉरिटी की तरफ जा रही है, लाइक अगले 50 साल में क्रिश्चियंस विल नॉट रिमेन मेजॉरिटी इन द कंट्री, तो अब पॉइंट इस्लाम में ऐसे ही हो जाएगा, एक हद उसके उस बाद लोग छोड़ना शुरू कर देंगे, कुछ रहेंगे वहां पे 100-200 साल बाद ये सिचुएशन आएगी हमारे मुल्कों में, अभी नहीं मैं 200 साल बाद की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर अमेरिका के अंदर अगले 50 साल में क्रिश्चियंस आर गोइंग टू बी माइनॉरिटी, दैट्स अ वेरी एक बहुत बड़ी चेंज है डेमोग्राफिक शिफ्ट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। जी तो बिल्कुल, ये चेंज तो आपकी बात सही है, ये इवन हमारी मुस्लिम कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े पैमाने पे आ रही है चेंज, ये नजर आ रहा है जबकि बंदों की इवन सोच भी ना थोड़ी सी चेंज हो रही है, नए मतलब कि वो क्वेश्चन कर रहे चीज़ों को अब ना, मतलब कि मैं भी अगर आप मैं मतलब के 5-6 ईयर्स पहले अगर चला जाऊँ तो मैं ऑलमोस्ट सऊदीया में रहता था और बिल्कुल ना मैं उस तरह का था कि मतलब के 5 वक्त की नमाज और कोई मतलब के जद्दा में रहता था, तो उम्रे के लिए हर वीक उम्रे पे जाना, हर वीक मदीना पाक जाना, तो अब मेरी भी सोच थोड़ी चेंज हो रही है, वो बात सही है। लेकिन आप लेकिन थैंक यू, थैंक्स फॉर टेकिंग मी इनटू द शो, आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी और जो उनसे यूनिवर्स का जो उनसे क्वेश्चन था उस पर मैं इंशाल्लाह और थोड़ी रिसर्च करूँगा, क्योंकि अभी बिना वो थोड़ी सी बस कभी कभी समझ नहीं आती कि ब्लैक मैटर आ रहा कहाँ से, मतलब कि यूनिवर्स एक्सपेंड तो हो रही है लेकिन वो क्वेश्चन इवन साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है उसका। यही तो मसला, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स जो है वो खुद स्पेस क्रिएट करती है और वो स्पेस जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो स्पेस खुद कुछ, दैट स्पेस मींस समथिंग, उस स्पेस में एनर्जी है, यूनिवर्स में एक अल्टीमेट फ्री लंच है जो चल रहा है, जब स्पेस एक्सपेंड करता है तो और एनर्जी यूनिवर्स के अंदर एंटर हो जाती है, वो एनर्जी कहां से आती है? एक छोटा सा कह सकते हैं बट वी डोंट नो।
आप समझते हैं कि यूनिवर्स के अंदर कोई डिजाइन है, मतलब कि कोई, मतलब कि किसी, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कि अल्लाह ताला नहीं बनाई या कुछ, लेकिन कोई आपको लगता है कि कोई डिजाइन है यूनिवर्स ने, कि मतलब कि किसी ने कुछ, मतलब कि इसके अंदर 100% परफेक्शन से नहीं बनाया, लेकिन कोई ना कोई एलिमेंट्स है इसमें डिजाइन के? नहीं, क्यों नहीं लगता? अगर वाकई यूनिवर्स डिजाइन है तो फिर आप बताएंगे 99.99% ऑफ द सोलर सिस्टम हैबिटेबल क्यों नहीं है? डिजाइन जो होता है ना, डिजाइन मींस पर्पस, ठीक है? डिजाइन हमेशा एक डिजाइन का एक पर्पस होता है। और जो रियल एस्टेट है ना हमारे सोलर सिस्टम में ही, अगर हम देखें 99.99% जो है ना, वो कोई पर्पस हमारी नजर से सर्व नहीं कर रही, ठीक है? दैट मींस इट इज नॉट डिजाइंड, ठीक है? डिजाइन जो है वो अपीयरेंस, इसलिए हमें अपीयरेंस ऑफ डिजाइन लगती है क्योंकि हम चीजों को अपने परस्पेक्टिव से देख रहे हैं। जहां पे चीजें हमें अपने परस्पेक्टिव से यूजफुल नजर आती हैं, हमें वहां पे डिजाइन फील होने लग जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल शायद यूनिवर्स हमारे लिए डिजाइन हुई ना हो, मतलब कि इतनी, इस बात का जब सबूत मिलेगा तो तब हम मान लेंगे, क्योंकि सबूत तो हमारे पास होना चाहिए ना, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत आएंगे। विदाउट बीइंग डिजाइंड भी यूनिवर्स वो सारे काम कर सकता है जो वो अभी कर रहा है। जी नहीं, मेरा तो सबूत चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए, पॉजिटिव एविडेंस इस बात का कि यूनिवर्स डिजाइंड है। अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एविडेंस नहीं मिलेगा तो हम नहीं बता सकते। जो ये यूनिवर्स क्रिएट हुई है ना, वो इस्लामिक गॉड ने नहीं बनाई। इस पे मैं जो मतलब कि ना काफी अब हो गए, क्योंकि हाँ, मगर किसी भी गॉड ने बनाई है, इसको भी मानने के लिए वी नीड एविडेंस। एविडेंस जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं कुछ भी कह सकते, ये प्रॉब्लम है हमारा। आपके पास मतलब एविडेंस मिल जाएगा तो फिर हम मानेंगे। आपके पास मतलब कि कोई भी, मतलब कि फॉर एग्जांपल 100% में से आप फुली 100% यकीन रख रहे कि यूनिवर्स क्रिएट नहीं हुई भी रैंडम में? नहीं, देखिए मसला ये नहीं है, मेरे यकीन रखने से तो कुछ भी नहीं होता ना। ये जो ओपिनियन एथियस्ट, एक बात सुने, ये आजकल एक फैशन है कि हर किसी से पूछा जाता है कि क्या आप 1% भी चांस नहीं देंगे कि जो यूनिवर्स क्रिएटेड है कि नहीं? चांस तो मैं कुछ भी दे दूं, मगर प्रॉब्लम ये है कि क्या वो चांस मैटर करता है? वो चांस मैटर नहीं करता, क्योंकि चांस तो हर चीज का है कि हो सकती है। चांस तो इस बात का भी है कि अगले 30 सेकंड के अंदर एक एस्टेरॉयड आसमान से गिरेगा और सारी लाइफ जमीन पे एक्सटिंक्ट हो जाएगी। रूल आउट तो इसको भी नहीं किया जा सकता। तो क्या मैं इस बात को मानना शुरू कर दूं, इस बात पे ईमान रख लूं कि अगले 30 सेकंड में एक एस्टेरॉयड जो है वो जमीन से टकराएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मैं इसको मानूंगा तब जब मुझे एविडेंस मिलेगा कि अगले 30 सेकंड के दौरान एक एस्टेरॉयड आसमान से गिरेगा और वो पूरी जमीन पे हर लाइफ को एक्सटिंक्ट कर देगा। यहाँ अगले 30 सेकंड में अमेरिका ने पाकिस्तान पे न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देना है, इस बात का एविडेंस होगा तो तब मैं इसे क्रीडेंस दूंगा। मगर मजहब के केस में यह है कि इसकी क्रीडेंस बगैर इस बात के एविडेंस के मानी जाती है कि हाँ जी, आप सिर्फ इम्कान बता देंगे, हाँ 1% भी चांस है कि खुदा है या नहीं, और मजहबी आदमी को क्योंकि 1% भी उसके लिए बहुत ज्यादा है, वो 1% पे भी आगे से जिसे कहते हैं वो चौड़ हो जाता है। नहीं नहीं, मुझे बात ये है कि हमारे पास एविडेंस किस चीज का? एविडेंस होगा जब, तो फिर हम बात करेंगे। उससे पहले जो कुछ भी है वो मेंटल मैस्टर्बेशन है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुदा को 100% भी कह दूं ना कि 100% खुदा मुमकिन है, जब तक आपको सबूत नहीं है आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, आपकी देखें जमीन के ऊपर आज 100 फिनोमेनॉन्स ऐसे हैं जिनको हम 100% ये कह सकते हैं कि किसी खुदा ने किए हुए हैं, मगर उनको अगर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि वो सब नेचुरल हैं। नेचर की कोई चीज हम देख लेते हैं आज, दरिया, समंदर, पहाड़, जानदार, एक्सटिंक्शन, प्लैनेट्स, हर चीज हमें बनी हुई दिखाई देती है, मगर हर चीज को जब हम डीपली इंक्वायर करते हैं हमें पता लगता है कि इनके पीछे कोई डिजाइन नहीं है, सब नेचुरल तरीके से बनी। अब जब आज तक हमें कोई भी एक ऐसी चीज नहीं बनी जो जिसके बारे में हम कुछ डिजाइन का कुछ कह सकें, ठीक है, तो फिर हम एक बिग बैंग जो रह गया जिसके बारे में हम सबसे कम जानते हैं, उस बात के ऊपर क्यों लगा दें कि जी वो जो है वो खुदा ने किया होगा या वो डिजाइन है? देखें, जैसे जैसे हमारा नॉलेज एक्सपैंड करता जा रहा है, हमें डिजाइन श्रिंक होता दिखाई दे रहा है। बिग बैंग अब एक ऐसी चीज है, या यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस या कमिंग इनटू बीइंग एक ऐसी चीज है
जिसके बारे में हम डेफिनेटली कुछ कह नहीं सकते, और गॉड ऑफ गैप्स का आर्गुमेंट हर वक्त वहां पे लगता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जैसे बाकी सब चीजों के 99.99% चीजें आउट ऑफ एवरीथिंग, हमें यही नजर आ रहा है कि देयर इज नो डिजाइन, एवरीथिंग इज फॉलोइंग अ नेचर, तो व्हाई शुड आई बिलीव के वो जो 0.001% है वो डिजाइन है। इसलिए इम्कान पॉसिबिलिटी तो किसी भी चीज की है, पॉसिबिलिटी तो इस बात की भी है कि अभी अगले आधे मिनट के अंदर मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, बट क्या इस बात को मैं सच समझ सकता हूँ? सच नहीं समझ सकता फिर मैं। बिल्कुल नहीं, मुझे आपकी बात समझ आ गई, और अगर आपको बुरा लगा हो, अगर मैंने सवाल पूछा उसके लिए भी अपोलोजाइज नहीं, तो बुरा नहीं लगा, बुरा नहीं लगा, कोई बुरा नहीं लगा यार, अपोलोजाइज ना करें जी। तो गालिब थोड़ी सी ये इससे पहले ये जाएं जेड एक दो मिनट इनसे बात कर लूं थोड़ी सी। जी जी कैसी बात कर रहे हैं जेड, आप बड़ी क्यूरियस और अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो बिल्कुल भी गालिब को बुरा नहीं लगेगा, किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। मेरी रीडिंग ये है कि आप जेन्युइनली क्यूरियस हैं और स्मार्ट हैं। मैं दो एक सिंपल पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मुझे। इट डजंट मैटर कि अगर यू आर एब्सोल्युटली यंग, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आप स्टूडेंट हैं तो किस क्लास में है या कॉलेज में है, जरा थोड़ा ताकि मुझे आसानी हो। जी मैं असल में ना यहाँ मैं बता सकता हूँ मैं कहाँ पे रह रहा हूँ? नो, आप सिर्फ अपना मुझे ये बताएं, अपनी कोई आइडेंटिटी ना बताइएगा, कुछ ना बताइएगा, सिर्फ मुझे बताएं। फॉर इंस्टेंस अगर आप कॉलेज में है, ए लेवल्स में है, ओ लेवल्स में है, किस लेवल्स, मैं सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहता हूँ, ज्यादा नहीं चाहता। जी मेरा असल में ना मैं बीएससी कर रहा हूँ बिजनेस में और अकाउंटिंग में। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मेरा लास्ट ईयर है यहाँ पे, मैं बस अभी इंतजार कर रहा हूँ। ज्यादा ना बताएं, सो ऑफ कोर्स आई जस्ट वांटेड टू गेट अ सेंस। मैं एक एग्जांपल मेरे सामने जो आती है वो अक्सर, जब आपको पता है कि बहुत सारे जो हमारे बड़े रिस्पेक्टेड फिजिसिस्ट्स हैं वो जब फिजिक्स के अंदर डिटेल लेवल पर, डाउन टू द लास्ट डिटेल, बहुत हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स देखते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा गुमान गुजरता है कि कहीं यार ये इतना ज्यादा मैथमेटिक्स कहाँ से आ गया और कहीं ये डिजाइन तो नहीं है। और बाज दफा वो जब ये भी आर्ग्यूमेंट लेकर आते हैं कि ये अगर हम किसी कॉम्प्यूटेशनल सिमुलेशन में रह रहे हैं तो उसका भी यही आर्ग्यूमेंट लेकर आते हैं कि यूनिवर्स अपीयर्स टू बी वेरी मैथमेटिकल इन नेचर। एक चीज जो मैं एक बड़ी सिंपल सी मिसाल आपको दूंगा, आपने हाई स्कूल के ऊपर, हाई स्कूल के अंदर आपने सर्कल तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, कि सर्कल को अगर मैं प्लॉट करना चाहूं स्टेप बाय स्टेप, तो मैं एक एंगल को वेरी करता हूं, फर्ज करें 0 से 360 डिग्री के ऊपर, और हर फर्ज करें एंगल के ऊपर जाकर उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लॉट करूंगा, वाई कोऑर्डिनेट प्लॉट करूंगा, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होंगी, ठीक है। तो वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपको लगेगा कि जी एक बंदा स्टेप बाय स्टेप प्लॉट कर रहा है, और आप अगर कोई सर्कल ड्रॉ हुआ देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये तो मेरी इक्वेशंस के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कंप्यूट हुए हुए स्टेप बाय स्टेप, उनके साथ परफेक्टली एग्री कर रहा है। तो जिस सोर्स ने ये सर्कल क्रिएट किया है, दैट सोर्स मस्ट बी नोइंग ट्रिग्नोमेट्री या बेसिक मैथमेटिक्स, ये हम कंक्लूड करने लगेंगे। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा एक कंपस लेकर एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर सकता है। He doesn't, वो जो बच्चा है, that kid doesn't need to know the mathematical details. तो example मैंने सिर्फ इस वजह से illustrate किया कि बाज दफा जो नेचर में हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, regardless of the fact कि वो हमारे किस मैथमेटिक्स के साथ परफेक्टली डेटा एग्री कर रहा है, इट doesn't follow कि that data is the result of a mathematical process. वो वैसा ही रिजल्ट आ सकता है, आपको लगे कि ये बहुत मैथमेटिकल है, लेकिन वो किसी और प्रोसेस का भी रिजल्ट हो सकता है। तो हम जो हमें अपेरेंटली डिजाइन इन्फेरेंस की तरफ जो चीज खींचती है, उससे हमें थोड़ा सा परहेज करना चाहिए कि कहीं हम गलती तो नहीं खा रहे, कहीं जल्दी तो नहीं कर रहे कंक्लूजन निकालने में कि ये डिजाइन है। बस इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। नहीं, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या था? मुझे पता नहीं लगा। सब्सटेंशिया निग्रा। निग्रा भाई, अच्छा, बस आपका इसमें
बहुत अच्छा कंक्लूजन आपने बताया, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन से हुआ ना, आपकी बात एंड में बिल्कुल सही थी कि हमें कंक्लूजन पे ना फौरन नहीं जाना चाहिए, हमें उसको थोड़ा सा और एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि इसके पीछे कॉज क्या है, कि मतलब कि ये अभी जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसकी, यूनिवर्स की हम दे देते फॉर एग्जांपल, कि हमें पता है कि बिग बैंग हुआ था, हमें अब वो कैसे पता लगा, हमने ऑफकोर्स उसका एनालाइज किया था कि हमने देखा था कि कैसे मतलब कि इसका क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं हमने उसको मतलब कि लाइट को स्टडी किया था कि ये लाइट कैसे कहाँ से चलती हुई आ रही है और उसका क्या साइड इफेक्ट है। अभी जो उनसे जेम्स वेब टेलीस्कोप भी वही देखना चाह रहा है मेरे ख्याल से, मैं सही हूँ ना इसमें या नहीं? नहीं, जेम्स वेब लाइफ का बिगिनिंग तो नहीं कर रहा, वो दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ को कहीं ढूंढ पाए, ये एक अलग बात है। अच्छा, लेकिन बेसिकली उसका बिगिनिंग ऑफ लाइफ नहीं कर रहा, डिस्कवर हूं जी बेसिकली, लेकिन वो ऑब्जर्व लाइट को कर रहा है ना, कि लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है जी बिल्कुल। तो उसी तरीके से हमें मतलब कि ना बस यही है मेरा एंड पे पॉइंट, यही है कि बस हमें कंक्लूजन पे नहीं चलना चाहिए, हमें देखना सुनना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको स्टडी करना चाहिए बस। चलें ठीक है जैद, शुक्रिया, ठीक है हम आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच। बस आखिरी यही मैसेज है कि जो पाकिस्तान में आजकल हो रहा है, तो प्लीज उसका कोई भी अगर यहाँ पे चैट वगैरह में है उसको प्लीज थोड़ा डोनेट करे वहाँ पे जो सजा की वजह से हो रहा है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स, टेक केयर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।